हमें कैसा लिखना है बच्चों? टोटल टिकट्स वर सोल्ड इन 2 डेज, मतलब 2 दिन में कितनी टिकट्स बिकी गई है, 2 दिन में लगातार कितनी टिकट्स बिकी गई है, हमें आंसर लिखना है 22,563। ये हो गया 563 टिकट्स सोल्ड हुई है। अभी हमें पता लगाना है कि थर्ड डे में कितनी टिकट्स बिकी हुई है, तो हमें क्या करना है, तो हमें कैसा लिखना है बच्चों, टोटल टिकट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों कि आपको कैसे ये सॉल्व करना है। टोटल टिकट्स फॉर इन 3 डेज, हमें ऐसे लिखना है 3 डेज। 3 डेज में कितनी टिकट बच्चों बुक हुई है हमें देखना है, 36,563 हमने, ये हमने इसका लिखा। ये हो गया। अभी हमारा जो है इसे अगर हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 36,563, और हमें कितना क्या लिखना है, टोटल टिकट्स वर सोल्ड इन 2 डेज। ये हो गया। तो हमारा जो 2 डेज में हमारी टिकट्स कितनी बिकी हुई थी बच्चों, 22,563। ये हो गया। तो इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी वर सोल्ड इन 3 डे, कि फर्स्ट डे में हमारी टिकट जो थी कितनी बिकी थी, 37,608, सेकेंड डे में 8,955, क्योंकि क्रिकेट मैच था उस दिन, ऑडियंस जो फैंस रहते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो हमें पता लगाना है कि हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड इन ऑन दैट थर्ड डे, थर्ड डे में हमारी टिकट कितनी सोल्ड हुई, डेट यू हैव टू फाइंड आउट, वो हमें पता लगाना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसे सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने 3 माइनस 3 बच्चों 0 हो गया हमारा, 6 माइनस 6 0 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया, 6 माइनस 2 बच्चों 4 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया। तो हमारी जो टोटल टिकट्स है